इस समाचार के प्रायोजक हैं आरके मेडिसिन हरदीप चौधरी किराना दुकान के बगल में न्यू मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर। रविवार को मुजफ्फरपुर मुरौल प्रखंड पिलखी पंचायत के मोहम्मदपुर कोठी गांव के निकट तिरहुत नहर का दायां तटबंध टूट गया। आज ही मुजफ्फरपुर पूसा रोड में तिरहुत नहर पर बने छोटे पुल के ऑफ स्ट्रीम में दायां तटबंध भी दूसरी जगह टूटा था, जिसे बायां तटबंध पर अभी भी दबाव बना हुआ है। बाएं तटबंध को बचाने के लिए जिला प्रशासन की तकनीकी टीम प्रयासरत है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही तटबंध के दोनों ओर की आबादी को अलर्ट भी कर दिया गया है, उन्हें खाली भी करवाया जा रहा है। मोहम्मदपुर कोठी के पास तिरहुत नहर का दाहिना तटबंध टूटने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, साथ ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तनावपूर्ण स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा वहां विजिट भी किया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से ग्रामीणों के बीच पथराव शुरू हो गया। दोनों ही गांव के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण बनी, फलतः प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और लोगों को तितर बितर किया गया। बाएं तटबंध को बचाने का कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। तटबंध टूटने के बाद आसपास के सभी ग्रामीण भयभीत हैं और बचने के लिए अलग अलग स्थानों पर विस्थापित हो रहे हैं। दोनों तरफ के ग्रामीणों ने घर खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि उससे बचना बहुत मुश्किल है, और इसके बीच कोई भी आएगा तो वो बाढ़ का ग्रास बन जाएगा। योना घर है, घर है, अभी रोड पे है अभी। हाँ, डर लग रहा है, पूरा टूट गया। टूट गया तो डर नहीं है, कितनी घर उड़ जाएगा तो इसको कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन की टीम अभी तक आई है? है? प्रशासन की टीम गया है ना, अब हो गया। रिसाव उसाव हो रहा था टूटने के, मतलब कैसे टूट गया? बोकर फूट के टूट गया, कोई पट्टी टूटा हुआ से तीन थमन टूटने वाला है, ये लोग तबाह है, कल से रुक ना रहा। और भी जगह टूटने का आसार है? ये पुल से लेके आगे तक ले है। मुजफ्फरपुर लाइव नाउ बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील करता है कि सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोग रात के समय ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि पानी का बहाव रात के समय ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे बांध टूटने का खतरा बना रहता है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन के साथ आशु की रिपोर्ट। अभी प्रशासन की कोई टीम नहीं आई, प्रशासन की मदद नहीं, प्रशासन के अगर प्रशासन अगर मदद करते तो हम लोग को अभी देखिए कैमरा उधर दिखाइए, बोलने वाला हम लोग इस समाचार के प्रायोजक हैं आरके मेडिसिन हरदीप चौधरी किराना दुकान के बगल में न्यू मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर।